क्राइम हो रहा है, हम क्राइम हो रहा है इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। और रात में असामाजिक तत्वों के लोगों ने उस पुल के सेंटरिंग को खोलकर पुल को गिरा देते हैं। हर जगह भय और आतंक का माहौल था। तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं कि शाम के 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद वो घर से बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते, कि कहीं कोई घटना हुई है? घटना के बाद बिहार की पुलिस तत्परता से उसकी जांच भी की है और दोषियों को गिरफ्तार भी की है। षड्यंत्र के तहत पुल गिराया जा रहा है क्या? बिल्कुल, मेरा ये कहना है, ब्रिज गिरी है या गिराई गई है? दोषी को हम बचाते नहीं है। अच्छा बता दीजिए, ब्रिज गिरी है कि गिराई गई है? ब्रिज गिरा है कि गिराई गई है? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे कह दीजिएगा। बिहार में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के तेजस्वी यादव जो है लगातार सरकार पर हमलावर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता हेमराज जी है। हेमराज जी, क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव लगातार आप लोग पर हमलावर हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि वो कहते हैं कि महाजंगल राज है, तो अब हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि जंगल राज में शाम के 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते थे। हर जगह भय और आतंक का माहौल था। और आज क्या है, बेखौफ लोग रात में भी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे एक शहर से दूसरे शहर, स्टेशन से अपने गांव तक बेखौफ जाते रहते हैं। तो बेखौफ जा रहे, तो इतनी हत्या कैसे हो रही है हमारा जी? कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहता तो हम तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं कि शाम के 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद वो घर से बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते? अगर निकलते हैं तो इस बात को महसूस कीजिए कि बिहार के अंदर कानून व्यवस्था दुरुस्त है। मतलब बिहार में क्राइम नहीं हो रहा है? क्राइम हो रहा है, हम क्राइम हो रहा है इसे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार की जो जवाबदेही होती है, क्राइम हुआ, घटना कोई भी होता है, चाहे वो जो कोई भी घटना को कारित करते हैं, घटना को अंजाम देने वाले कोई भी हों, पुलिस उसको पकड़ के कानून के हवाले करती है। इसमें किसी तरह को किसी को बचाने की, किसी को फंसाने की और किसी को बचाने की कोई बात नहीं होती। अच्छा, आपको नहीं लगता है हमारा जी कि लोकसभा इलेक्शन यानी लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है लोकसभा चुनाव के बाद? देखिए, कहीं भी कोई क्राइम हुआ है, ग्राफ बढ़ने की बात छोड़िए, पहले ये देखिए कि कहीं कोई घटना हुई है, घटना के बाद बिहार की पुलिस तत्परता से उसकी जाँच भी की है और दोषियों को गिरफ्तार भी और उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। अच्छा, क्या लगता है, अब ब्रिज पर आते हैं, बिहार में लगातार ब्रिज गिर रहा है, उसको लेकर क्या कहिएगा? आखिर इसका दोषी कौन? लगातार 5 ब्रिज बिहार में गिर चुका है, 5, यानी करोड़ों अरबों का नुकसान वो बिहार वासियों को हो चुका है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? सरकार का तो पैसा था नहीं, आम जनता का पैसा था वो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले एक घटना की याद दिलाता हूँ आपको कि अखबारों के माध्यम से, मीडिया में भी बड़ा जोर से चर्चा हुआ कि मोतिहारी में घोड़ासन ढाका के बीच में एक पुल है जो ढह गया है, लेकिन जब जांच होती है तो क्या पता चला, खुलासे हुए, रात में पुल की दिन में पुल की ढलाई होती है और रात में असामाजिक तत्वों के लोगों ने उस पुल के सेंटरिंग को खोलकर पुल को गिरा देते हैं। तुरंत कल होकर के पूरे प्रशासन और जो विभागीय पदाधिकारी हैं सब लोग पहुंचते हैं, उसकी जांच होती है और उसमें जो दोषी है उसका खुलासा हो जाता है। षड्यंत्र के तहत पुल गिराया जा रहा है क्या? बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि जैसे अब एक घटना का उदाहरण हम आपको दिया है, लेकिन एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार के अंदर जो भी काम होते हैं उसकी जाँच परख होती है और सत्यता की जाँच होती है। ये नहीं है कि अगर कोई घटना घट गया तो हम किसी निर्दोष को उसमें झोंक दिए, निर्दोष को फंसा दिए। ठेकेदार पर आप कार्रवाई नहीं करिएगा? बिल्कुल, जो दोषी होंगे, या पदाधिकारी क्यों ना हो या ठेकेदार क्यों ना हो, अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। इसमें मांझी तो कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत यानी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, इसीलिए ब्रिज को गिरवाया जा रहा है। गिर नहीं रहा, गिरवाया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो सबकी जाँच चल रही है,
अब धीरे धीरे सबका उद्भेदन हो रहा है, आप लोगों को भी लगता है धीरे धीरे उद्भेदन हो रहा है। और जो जिस रूप में जिस पुल की घटना हो या कोई भी घटना हो, जांच होती है, पहचान होती है अपराधियों की, दोषियों की, और उसे सजा भी मिलती है, उस पर कार्रवाई होती है। इसमें कोई लटकाने अटकाने और भटकाने की बात नहीं, भटका रहे हैं ना सर, आप लोग तो भटका रहे हैं, जनता आप लोग बता नहीं रहे हैं क्या। आप जितना मांझी बोल दिए कि ब्रिज गिरी नहीं, गिराई जा रही, आप भी वही भाषा बोले गिराई जा रही है। लटकाने भटकाने और अटकाने की कोई बात नहीं, भटका तो रहे हैं सर आप, त्वरित कार्रवाई होती है। ब्रिज गिरी है या गिराई गई है? दोषी को हम बचाते नहीं है। अच्छा बता दीजिए, ब्रिज गिरी है कि गिराई गई है? ब्रिज गिरा है कि गिराई गई है? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे कह दीजिएगा कौन ब्रिज गिरा दिया कौन। हर पुल की जांच होती है, देख हर पुल की जांच होती है, जहाँ घटना होती है उसकी जांच हो रही है, जाएगा खुद ब खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए तो जांच रिपोर्ट जब आ जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये थे हमारे साथ हेमराज जी, और इनका साफ तौर पे कहना है जो तेजस्वी यादव महाजंगल राज बता रहे हैं सरकार को, वो पहले जब था 5 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, अब तो तेजस्वी यादव 6 बजे के बाद भी बाहर निकल करके घूमते हैं, तमाम बातों को कहते नजर आ रहे थे। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम जी, इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमर से जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।